गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टैंडर्ड 6 के चैप्टर 3 द एज ऑफ फार्मिंग के दूसरे पार्ट को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने देखा था कि फार्मिंग की शुरुआत कैसे हुई थी और फार्मिंग से रिलेटेड जो भी हमें क्रॉप्स मिले थे, जो ग्रेन्स मिले थे, वो किन किन जगहों से मिले थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों का पालतू बनाना, ऑल प्रोसेस बाय विच प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ब्रॉट अंडर ह्यूमन कंट्रोल आर टुगेदर कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। तो डोमेस्टिकेशन मतलब वो सभी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा मनुष्य ने प्लांट्स और एनिमल्स को अपने कंट्रोल में लाया, जिसके द्वारा मनुष्यों ने अपने प्लांट्स और एनिमल्स थे उनको अपने कंट्रोल में किया, उस प्रक्रिया को हम लोग डोमेस्टिकेशन कहते हैं। नियोलिथिक पीरियड के मनुष्यों ने जानवर को डोमेस्टिकेट बनाना शुरू किया, उन्हें पालतू बनाया। संभवतः ये लोग कुत्ते को सबसे पहले, इन्होंने कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया, कुत्ते को इन्होंने पालना शुरू किया। उसके बाद दूसरे जानवर जैसे गोट, शीप को भी इन्होंने पालतू बनाया और इसके फलस्वरूप या इसका जो रिजल्ट हुआ कि उन्हें इन जानवरों से जो दूध मिलते थे या ये लोग दूध से बहुत सारी चीज़ें बनाते थे जिसको ये लोग सप्लाई भी किया करते थे, जो प्रोडक्शन होता था दूध से उसे ये लोग खुद यूज़ करते थे या फिर उसकी सप्लाई भी करते थे और साथ ही साथ ये इन्हें मीट भी मिल जाता था, इन जानवरों से मीट भी प्राप्त होता था। इस समय भी इन्होंने फिशिंग और हंटिंग को जारी रखा, इन्होंने मछलियां पकड़ना और शिकार करना भी नहीं छोड़ा। कुछ जानवरों का उपयोग ये लोग एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन के लिए करने। जिन जानवरों को इन लोगों ने पालतू बनाया उनमें उनके कुछ बोन्स हमें एविडेंस के रूप में कुछ जगहों से प्राप्त, जैसे शीप, गोट और कैटल के बोन्स पाकिस्तान के मेहरागढ़, एनिमल बोन्स उत्तर प्रदेश में कलडीहवा से, कैटल के बोन्स महागरा में, उत्तर प्रदेश के महागरा से हमें मिले हैं। डॉग, कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो, इसके बोन्स हमें मिले हैं कश्मीर के बुर्जा होम से। बफेलो, ऑक्स, कैटल एंड शीप, इनके बोन्स बिहार के चिरांद से मिले हैं। शीप एंड कैटल आंध्र प्रदेश के पायमपल्ली से मिले हैं। तो इन जगहों से हमें ये बोन्स एविडेंस के रूप में मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये लोग जानवरों को पालतू बनाया करते थे, यानी कि ये लोग उन्हें पालते थे और उसका उपयोग ये लोग कई तरह से किया करते थे, दूध के लिए क्या करते थे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या करते थे और भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो वर्क था उसके लिए ये लोग किया करते थे। आगे बढ़े हम लोग, तो हम लोग देखेंगे कि
इसके बाद एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया जब व्हील्स का इन्वेंशन हुआ, इन्वेंशन ऑफ व्हील। यानी अब हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंशन ऑफ व्हील के बारे में, पहिए की खोज। इन द नियोलिथिक पीरियड द व्हील वाज रिमार्केबल इन्वेंशन। व्हील की खोज जो हुई वो इस पीरियड के मनुष्यों के लिए बहुत ही असाधारण था। जो अर्ली ह्यूमंस के लिए एक डेवलपमेंट का बहुत बड़ा स्टेप था, और यह आइडिया इन्हें लकड़ियों तथा पत्थरों को रोल करते हुए देख करके मिला। इन्होंने पत्थरों को या लकड़ियों के गट्ठर को देखा कि वो रोल कर रहे हैं, तो इससे ये आइडिया, व्हील बनाने का आइडिया इनके दिमाग में आया। अब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ट्रैवल कर रहे थे वो इनके लिए आसान हो गया, और इसी के साथ साथ ये हेवी लोड्स को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया। व्हील्स के इन्वेंशन से पॉटरी मेकिंग का भी या पॉटरी मेकिंग भी इम्प्रूव हुआ। यानी कि मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते थे उसकी भी कला विकसित हो गई, और इसी काल में पॉटर्स व्हील की भी शुरुआत हुई। यानी कि पॉटर्स व्हील का यूज ये लोग करने लगे बर्तनों को बनाने के लिए, मिट्टी के बर्तन को बनाने। नेक्स्ट देखें हम लोग बिगिनिंग ऑफ अ सेटल्ड लाइफ, इनके अस्थाई जीवन की शुरुआत। यानी कि इसके बाद इनके जीवन में अस्थायित्व आने लगा, ये एक जगह सेटल होने लगे। कश्मीर के गुर्जा होम में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ हट्स और हाउसेस मिले। अर्ली ह्यूमंस पिट हाउसेस का निर्माण करते थे, पिट हाउसेस जिसे जमीन को खोद करके और बनाया जाता है, तो इस तरह के हाउसेस को ये लोग बनाया करते थे। और इन हाउसेस में जाने के लिए ये लोग स्टेयर्स या फिर स्टेप्स का यूज किया करते थे। यह पिट हाउस इनको कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट करता था, या इस पिट हाउसेस में ये लोग मौसम के अनुसार यानी कि सर्दियों से बचने के लिए ये इसमें चले जाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स को हर्ट्स यानी कि वहां पे कुछ चूल्हे के भी एविडेंसेस मिले, जिसका उपयोग ये लोग झोपड़ी के अंदर तथा बाहर को किया करते थे, ये अपने पिट हाउसेस में या फिर उसके बाहर भी किया करते थे। इससे यह पता चलता है कि ये लोग मौसम के अनुसार अपना भोजन पिट हाउसेज में या फिर उसके बाहर भी बनाया करते थे। आगे बढ़े हम लोग नियोलिथिक टूल्स कुछ टूल्स जो ये लोग बनाया करते थे इस पीरियड के, नियोलिथिक पीरियड के जो ह्यूमंस थे वो लोग जो टूल्स बनाया करते थे। तो नियोलिथिक एज में मोर्टार्स और पेस्टल्स, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स थे, जिसका यूज ये लोग ग्रेन्स को पीसने के लिए किया करते थे, जिसमें ये लोग ग्रेन्स को पीसते थे।
न्यूलिथिक टूल्स पूरी तरह से पैलियोलिथिक टूल्स से ये अलग थे। यानी न्यूलिथिक टूल्स और पैलियोलिथिक टूल्स में किसी तरह की कोई समानता नहीं थी, वो बिल्कुल अलग थे। न्यूलिथिक टूल्स वेल पॉलिश्ड थे तथा इनके किनारों की जो कटिंग थी वो बहुत अच्छी थी। पैलियोलिथिक टूल भी इस युग में बनाए जाते थे और उनका यूज भी किया जाता था। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने न्यूलिथिक एज के जो लोग थे उन्होंने अपना टूल्स तो बनाया इस एज में भी, लेकिन वो लोग पैलियोलिथिक एज के टूल्स को भी नहीं छोड़े, उसका भी यूज ये लोग किया करते थे। न्यूलिथिक टूल्स कश्मीर के बुर्जाहों और मास्की, ब्रह्मागिरी, नासिरपुर और कर्नाटका के हल्लूर में भी पाए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना। इसका अब एक लास्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग